खा तो रहे पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। 1000 रुपए हर लड़की के साथ फिर नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, लड़की के साथ कम है, यहाँ पे देना पड़ेगा। हमें बस चलते जाना है। पागल हो गए लड़के बना लिया के। 8:30 बज रहे हैं और अभी हम हैं अपने रूम में। ये अंकित भाई, ये है अनमोल भाई, तो ये है मेरे साथ आज रह रहे हैं, ठीक है। हम बद्रीनाथ में मिले थे, तो ये हमको बद्रीनाथ में मिले थे, तो आपको पता ही होगा ये मनाली में मिले हैं, पहली बार हम मनाली में मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा मुसाफिरों का कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसे ही मिलते रहते हैं और अभी तो पता भी नहीं है कितने मुसाफिर हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूम है, मतलब रूम तो यार बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको ना एक बार रूम दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टीवी लगी हुई है, उधर वॉशरूम है, और ये हमारा बेड, और ये है ऐसा कुछ नीचे भी लगा रखा है, ठीक है। मैंने सोचा यार ऊपर ना जगह नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ना नीचे भी लगवा दिया। ये चेयर भी है, और ये है जी बाहर का नज़ारा, ठीक है। तो यहाँ पूरी कारवार लगी हुई है, पूरा ऐसा हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सुबह आपको दिखने वाला है, ऊपर हमारे जी चंदा मामा कहाँ गए, ये है चंदा मामा। अभी हम जो रुके हुए हैं ना, वो रुके हैं जी रुद्रा होटल में, रुद्रा होटल रुद्रा पैलेस में, ठीक है। तो वो है मेरे ठीक सुपर ऊपर। भैया साहब ले रहे हैं हमारे शॉल यहाँ पे, क्योंकि ठंड इतनी है ना कि हालत ख़राब हो रही है। और मैंने भी ना इनकी टी शर्ट पहन रखी है, मतलब इनकी जैकेट पहन रखी है मैंने। माल रोड में, तो यहाँ के जो समोसे है ना अनमोल भाई, 80 रुपए के 2 समोसे भाई साहब, मतलब मतलब हम लोग ना 10 रुपए दे रहे में भी, मतलब वो होते थे किया कि हम आलू लेंगे और मैदा लेंगे और समोसा खुद से बनाएंगे, ऐसे लग रहा है। आप लोग को भी दिखाएंगे, ऐसे लग रहा है मुझे कि समोसा मतलब आलू बना के समोसा बनाएंगे और सभी को खिलाएंगे भाई साहब, इतना महंगा ना। तो यहाँ पे है जी माँ दुर्गा का मंदिर, चलो फिर आप हाथ जोड़ो, हम भी हाथ जोड़ते, जय माँ दुर्गे। तो अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ आते हो ना, तो भैया आप लोगों का खर्चा बहुत होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है यार। मतलब शादी के बाद तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है बंदे की, बहस की बिना सारा, मतलब अब लड़की साथ में रहेगी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना भाई साहब, दुकान में रुकना पड़ेगा वही तो। अब लड़की को जो पसंद होगा वो, कितना टाइम लगता पता है चीजें पसंद करने में भाई। आप पहली बात तो आपका स्टेक दिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आधी मोलो ढूंढ पाओगे। वही तो मैं तो सोच रहा हूँ शादी नहीं करने का यार, हमसे ना हो पाएगा। नाम क्या है? सिड्डू, होममेड सिड्डू बन रहा है भैया। अच्छा, जो केरला में बनता है, बस इसमें फिलिंग रहती है। फिलिंग किसकी है? किसकी? अखरोट पोस्तो दाल कुछ बोल रहे हैं। तो ये आ गया जी हमारा सिड्डू, हिमाचली एडिशन है। चलो फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी होती है। ट्राई करते हैं कि ये सिड्डू, नवजोत सिंह सिड्डू जो है कि कैसा होता है। नवजोत है कि नहीं है, इनको देख लेते हैं। आओ ना, आप भी आओ, आओ। खाते रहे पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। हाँ मोमोज टाइप का हो रहा है, मतलब ना पूरा लग रहा है मोमोज। अभी रेट भी नहीं पूछा हमने, पर खा लिया। हमने ऑर्डर किया है जी टिक्की, और ये क्या है, समोसे, और एक चीज और है हमारे पास जो है कि पकोड़े, मिर्च वाले पकोड़े। तो ये चीज़ हम खाने वाले हैं। हमारा एक फ्रेंड ना भी कहीं गया हुआ है, तो उसको वेट कर रहे हैं। बाकी देखो
कितनी भीड़ लगी हुई है भाई साहब। हमारी पार्टी हो रही है खोपचे में, पावड़ी हो रही है, पावड़ी हो रही है, पावड़ी। स्वेटर की दुकान पे आए हुए हैं हम, तो क्योंकि कल हमें बहुत आगे जाना है तो वहाँ पे शायद बर्फ़ पड़ सकती है, मतलब पड़ी भी हो सकती है, और वहाँ पे जो ठंड है ना -2 डिग्री ऐसे बता रहे हैं ना, -2 ऐसा लग रहा है कि ना कुछ लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये है जी फौजियों वाला, गर्मी तो थोड़ी बहुत लग रही है, सही लग रही है, वो मुझे लग रहा है कि ये वाला ले लेते हैं, तो कल सुबह हम इसको पहन के जो है कि आगे की ओर जाने वाले हैं। तो बहुत सारी दुकानें हैं वैसे, तो वैसे रेट तो यार यहाँ पे बहुत सारे महंगे, पर लेना तो पड़ेगा, गलती मेरी है कि मैं लाया नहीं वहाँ से। चलो फिर ये पैक करवाते हैं और फिर घर को जाते हैं। सुबह घूम घाम के आ चुके हैं हम माल रोड से, तो कैसा लगा फिर भाई लोगों? बढ़िया था, मतलब ठीक ठाक था। अरे जाना है क्या? खाने के ऑप्शन इतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ पे है हमारा एक नाइट क्लब, तो हमको जाने देंगे? लगता तो नहीं। लौंडे लौंडे जानने की सोच रहे हैं वहाँ पे, 1000 रुपये हर लड़की के साथ, फिर नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, लड़की के साथ तो कम है, यहाँ पे देना पड़ेगा। आप लोग कपल हो या फिर गर्ल्स हो तो आपके लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री है? फ्री जाओ, फ्री चिल मार सकते। आप लोग जाओ चिल मारो, बट हम लोग तो सिंगल है, तो फिर हम लोग जाना पड़ेगा। चलो हम तो बेबड़े हैं, ऐसे घूम रहे भैया। चलो फिर चलते हैं, क्योंकि हम तो मुसाफिर हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं है। हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना, हमें बस चलते जाना है। पागल हो गए लड़िया बना लिया के भाई साहब, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड, बहुत ठंड है यार सही में। मतलब दिल्ली में तो लग रहा था कि पता नहीं ठंड लगेगी। लड़के ने वीडियो भी भाई जन्नत है तो मनाली है, पीछे से आगे एक थप्पड़ मारा मनाली शिमला है, कश्मीर में। लो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं जी अपने रूम में, तो कैसा लगा फिर आपको माल रोड? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा, तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। मनाली की मार्केट है ना कुछ, मतलब जो यहाँ का माल रोड है वो कुछ खास अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक ही ठाक था। और यहाँ पे खाना बहुत महंगा था यार, मैं तो कभी सोचता भी नहीं कि इतना महंगा खाना मिलेगा भाई साहब। 100 रुपये का समोसा, 2 समोसे, हम 10 रुपये के खाने में मरते हैं, यहाँ 100 रुपये के खा रहे हैं भाई साहब। कैसे आने वाले हो आप लोग अपने हनीमून पे यहाँ पे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे, तो वो भैया आपको ही पता होगा। दिल्ली गुड़गांव में जो भी लोग होंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को वहाँ पे तो बहुत गर्मी लगने वाली होगी, बट यहाँ पे तो भैया मौसम बहुत ही शानदार। देखो मैंने अभी 500 रुपये का ये ले रखा है, तो सही लगा वैसे। बाकी आपको जैसी भी मार्केट लगी होगी प्लीज़ मुझे बताना कि कैसी आपको यहाँ की मार्केट लगी, ठीक है? तो ब्लॉग का हम जो नेक्स्ट ब्लॉग हम बनाने वाले हैं ना, कल सुबह से बनाने वाले हैं। तो अंकित भाई कल सुबह कहाँ जाने वाले हैं हम? कल सुबह हम लोग निकलेंगे सिसु के बाद लाहौल, और टारगेट रहेगा केलोंग तक का। अच्छा, समवेयर अराउंड 127 और 130 फ्रॉम हियर, आई गेस 107 या 130 के बीच में। तो वी विल टारगेट टू रीच दैट प्लेस और देन फिगर आउट टू स्टे एनीवेयर नियर बाय लाइक सिसु, लाहौल और केलोंग। अपने पास कल का दिन है एंड देन वी हैव अनदर वन मोर डे, परसों भी है ना, सैटरडे, वी हैव सैटरडे आल्सो, राइट? सो दो दिन हमें एंजॉय करने हैं। सो दो दिन हम लाहौल, सिसु, केलोंग वगैरह में रहेंगे और विल हायर बाइक और टैक्सी, देन विल एक्सप्लोर। देखते हैं, मतलब दो तीन दिन है ना हमारे पास, वो बहुत सारे अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि अंकित भाई ने प्लान बना रखा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ना मई में हमारा जो ब्लॉग है वो बहुत ही अच्छी जगह पे जाने वाला है, तो पहले मेरा इनके साथ ही प्लान था, बट मेरी जो वो है वो उन्होंने प्लान कैंसिल कर लिया उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया था यार ना। मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज थे मेरे साथ अंकित भाई और अनमोल भाई जो कि गुड़गांव से हैं, तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जी बाय बाय।
तो इस ब्लॉग को प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ट्रैवल वीडियोस के लिए। मिलते हैं, बाय बाय।